नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अनअकैडमी स्टूडियो एनग्रेव के ऊपर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे जैसे एक एक दिन बढ़ता जा रहा है, वैसे ही आपका एग्जाम आपके नज़दीक आ रहा है। आप लोगों की धड़कनें तेज हो रही हैं, अब आप सोच पा रहे हो कि क्या करें क्या ना करें। तो बेटा, इसमें ज़्यादा पजल होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देना है। मैं और मेरी टीम आप लोगों के लिए हर सेशन में, हर लाइव क्लास में हम प्रीवियस ईयर चीज़ें ला रहे हैं, जहाँ से एसएससी बार बार क्वेश्चन को पूछ रही है। यदि बेटा आप इतना ही कर लोगे ना, तो बहुत है इतना। सिर्फ इतना ही कर लो आप लोग। सीपीओ के अंदर आप रिजल्ट देख चुके हो, जो सीपीओ के अंदर हमने अपने सेशन चलाए थे, सारा पेपर हमारी टीम के सेशन से ही था, सारे वीडियो के क्वेश्चन से ही सारा पेपर आया हुआ था। तो अब की बार भी ऐसा ही होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे सेशन को मिस मत करना। और जो मेरी ये टीम है, ये आपके पल पल आपके साथ रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। और मेरे प्यारे बच्चों, एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, मेरी टीम सबसे ज्यादा उन क्वेश्चंस पर फोकस करती है जो एग्जाम में बार बार पूछ रही है एसएससी। तो उन क्वेश्चंस को, उस कंसेप्ट को आप लोग मिस ना करें। तो मैं सबसे पहले एक बार मैं अपनी टीम का इंट्रोडक्शन आपसे करवा देता हूं, मुलाकात करवा देता हूं, फिर हम आगे बात करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले बताता हूं, मैथमेटिक्स के अंदर सबसे बड़े धुरंधर, जो किसी नाम के मोहताज नहीं है, सुनील बदोनी सर, पवन राव सर और रुमाकांत शर्मा सर हैं। वहीं इंग्लिश एक्सपर्टीज की बात करें तो नेहा मलिक और संदीप रावत सर हमारे साथ हैं। जनरल स्टडीज की बात करें तो कासिफ अंसारी हमारे साथ हैं। और जनरल साइंस की बात करें तो मैं आपका अपना अभिषेक सरोहा आप लोगों के लिए पल पल आप लोगों के साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी पूरी टीम के लिए और मेरे खुद, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यदि आपको कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी है सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप किसी भी टाइम हमारे पास व्हाट्सअप कर सकते हो, हम आपको सॉल्यूशन देने के लिए तैयार बैठे हुए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत करते रहिए, लगन करते रहिए, और इतनी मेहनत कर दो, इतनी मेहनत कर दो कि खुदा भी खुद कहे कि ले ले बेटा, ये तो तेरा हक है। इतनी मेहनत कर दो, इतनी मेहनत कर दो आपकी बारी। तो चलो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे, किसके ऊपर बात करेंगे, हम इम्पोर्टेंट अलॉयज के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो इम्पोर्टेंट अलॉयज हैं एसएससी, जिनको पूछती आई है, आज उसी के बारे में बात करेंगे, और उनका यूजेज क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जो ये क्लास है हमारी, ये एसएससी सीजीएल की है, सभी बच्चों को पता है, क्रैश कोर्स की क्लास है, जो दिसंबर में स्टार्ट हो गई थी। और मैं अभिषेक सरोहा इसके अंदर आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टॉपिक्स करवाने वाला हूं, जहां से एसएससी हमेशा पूछती आई है, उन चीजों को मैं करवाने वाला हूं आप लोगों के लिए। सेम एज इट इज, जो नए बच्चे जुड़े हैं, मैं उनको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम अभिषेक सरोहा है और मैं जनरल साइंस का एडुकेटर हूं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप लोगों को पढ़ाऊंगा। मुझे लगभग 4 साल हो गए हैं एसएससी सीजीएल स्टूडेंट्स को मेंटर करते हुए, और इन 4 सालों में मैंने कम से कम 2 लाख स्टूडेंट्स को मेंटर किया है। और इन 2 लाख स्टूडेंट्स में से मोर देन 65% स्टूडेंट अपना एग्जाम क्वालिफाई इजीली कर पाए हैं। और अब की बारी आपकी है, अब की बारी आपकी है मेरे 65% को बढ़ाने की, इंक्रीज करने की। मेरे प्यारे बच्चों, देखो टाइम टेबल के बारे में बता देता हूं, मेरी जो पूरी टीम है इसका टाइम टेबल आपको कहां से पता लगेगा कि कौन कौन सा एडुकेटर किस टाइम लाइव आ रहा है, कौन से टॉपिक के साथ आ रहा है? तो बेटा, ये टेलीग्राम ऐप है, सभी के फोन में टेलीग्राम ऐप होता है। इस टेलीग्राम ऐप पर आपको हमारा ये लिंक सर्च करना पड़ेगा, एसएससी एनग्रेव। जैसे इस लिंक को आप सर्च करोगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस भी मिल सकती हैं, और इनको डाउनलोड भी कर सकते हो आप। और मेरी पूरी टीम का टाइम शेड्यूल मिलेगा कि कौन सा एडुकेटर कौन से टाइम पर और कौन से टॉपिक के साथ लाइव आ रहा है, ये सारी चीज़ें मेंशन मिलेगी। दूसरी बात, आप इस ग्रुप के द्वारा हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हो, यहाँ से क्या कर सकते हो, हमारी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो बेटा ये काम करना ना भूले, टेलीग्राम ऐप पर आप ये सर्च जरूर करें, एसएससी एनग्रेव। सेम एज इट इज बात करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप की, हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप है, प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है, तो आप वहां से इसको डाउनलोड करें। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो ये आप फोन में इंस्टॉल करना, और इंस्टॉल करने के बाद बेटा करना क्या है आपको, आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है। और आप लोगों का गोल क्या है, एसएससी एग्जाम। आप लोगों का गोल क्या है बेटा,
एसएससी एग्ज़ाम है, जैसे ही आप अपने एसएससी एग्ज़ाम को सिलेक्ट करते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। वो बेनिफिट क्या मिलेंगे बेटा? बेनिफिट सबसे पहला ये मिलेगा, आप अपने किसी भी फेवरेट एडुकेटर की क्लास कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पर एक रियल टाइम इंटरेक्शन रहता है एडुकेटर के साथ, लाइव क्लास के अंदर आपके डाउट सॉल्व होते हैं, आप वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो और ऑफलाइन मोड में उनको कभी भी देख सकते हो। और बेटा ये होता कब है? जब आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हो, और इस सब्सक्रिप्शन के अंदर क्या होता है, जितने भी एडुकेटर हैं उन सभी की वीडियोस और लाइव सेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। तो एक बार आपको इसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, एक बार इसकी फ़ी पे करनी पड़ेगी। और इसकी फ़ी क्या है बेटा, वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे इंडिया के टॉप मोस्ट लीडिंग एडुकेटर भी अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो। हमारी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है यहाँ पर, हमारे नोट्स भी अवेलेबल हैं। मैं बात करूँ आपसे किसकी बेटा, ये बात है किसकी ही है, सब्सक्रिप्शन की। सब्सक्रिप्शन है जो आपका, ये है 6,000 रुपये में। और जो आपके सामने ABS लिखा हुआ है, ये मेरा कोड है। यदि इस कोड को अप्लाई करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और डिस्काउंट के बाद जो आपकी फ़ी होगी बेटा वो कितनी हो जाएगी, 5,400 हो जाएगी। डिस्काउंट के बाद जो आपकी फ़ीस होगी वो कितनी होगी, 5,400, मतलब कि मेरी तरफ से आपको 10% का डिस्काउंट है। यदि आप 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन चाहते हो तो 9,600 आपकी फ़ीस होगी। ये मेरा कोड है ABS लाइव, इसको अप्लाई करने के बाद आपको फिर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और आफ्टर डिस्काउंट जो फीस होगी वो कितनी होगी, 8,640 होगी बेटा। तो ये कब पॉसिबल है, जब मेरा कोड अप्लाई कर रहे हो। मेरा कोड क्या है, ABS लाइव। तो इस कोड को ना भूलें सब्सक्रिप्शन लेते वक्त। और आप जल्दी से जल्दी सभी बच्चे सब्सक्रिप्शन करेंगे जिन्होंने नहीं किया है। ये था हमारा सब्सक्रिप्शन। अब आती है क्लास की बात बेटा, क्लास कौन सी हमारी, SSC CGL क्रैश कोर्स की क्लास है 2019 की, जो दिसंबर में स्टार्ट हो चुकी थी। और आज इसके अंदर हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंट अलॉय एंड इट्स यूजेस। तो उससे पहले देखते हैं क्लास के अंदर कौन कौन मौजूद है, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके चलो ठीक है बेटा, करते हैं स्टार्ट। बेटा बस एक सेकंड, थोड़ा सा करते हैं स्टार्ट अभी। चलो ठीक है बेटा, अब करते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम था कीबोर्ड के अंदर, इसमें मेरे पेन टैब के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। आप लोग हम करते हैं स्टार्ट। यहाँ देखना बेटा, इम्पोर्टेंट अलॉय, आपको एग्जाम में अलॉय दिया होगा और पूछा क्या जाएगा, कंपोजिशन पूछी जाएगी इसकी। किसके बारे में बात करेगा बेटा, कंपोजिशन के बारे में बात करेगा। हमने यहाँ से अपना मार्कर सेलेक्ट कर लिया है और आफ्टर मार्कर इंक भी हमने यूज कर ली है, और इंक है ब्लैक हमारी। तो बेटा आपको एग्जाम में क्या दिया जाएगा, अलॉय दिया जाएगा, अलॉय का नाम दिया जाएगा आपको। और पूछेगा क्या इससे, आपकी कंपोजिशन पूछेगा। क्या पूछेगा बेटा, कंपोजिशन के बारे में पूछेगा, मतलब कि ये किस किस मेटल से मिलकर बना हुआ है, सेम एज इट इज। और क्या पूछेगा, इसके यूजेस पूछेगा। तो आज हम वही सारे करने वाले हैं जो हमारे रिमेनिंग बाकी बचे हुए थे। तो हम सबसे पहले देखते हैं
आपका फर्स्ट होगा बेल मेटल बेटा, फर्स्ट अलॉय। अलॉय का नाम क्या होगा? अलॉय। इसका नाम क्या होगा बेटा? बेल मेटल। क्या होगा? बेल मेटल, ध्यान रखना। क्या होगा बेटा इसका? बेल मेटल होगा। और आपसे क्या पूछेगा यहाँ पर? कंपोजिशन पूछेगा। क्या पूछेगा? कंपोजिशन पूछेगा बेटा, इसकी कंपोजिशन क्या होती है। तो जल्दी से बताओ बेल मेटल किस किस का बना होता है बेटा, जल्दी से बताओ यार, बेल मेटल किस किस चीज का बना हुआ होता है? चलो मैं बता देता हूं, जो आपका बेल मेटल होता है वो कॉपर और टिन का बना होता है। किसका बना होता है? कॉपर और टिन का बना होता है बेटा, कॉपर एंड टिन। कॉपर कितना होता है इसमें? 80% होता है बेटा। और जो टिन होता है वो कितना होता है? 20% होता है। कॉपर और टिन, कॉपर कितने परसेंट होता है? 80% होता है। और टिन कितने परसेंट होता है बेटा? 20% होता है। यहाँ तक आया समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। ये अलॉय है हमारा बेल मेटल, और ये क्या है? कंपोजिशन है। कंपोजिशन में कॉपर और टिन, कॉपर कितना है आपका? 80% है। और टिन कितना है आपका? 20% है। अब बात करेंगे इसकी, किसकी बात करेंगे? इसके यूजेस की बात करेंगे। इसका यूज कहाँ होता है बेटा? तो ध्यान रखना बेटा, इसका यूज बेल बनाने में किया जाता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग बेल्स, इट इज यूज फॉर मेकिंग बेल्स। बेल्स बनाने में क्या किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है बेला बेटा? बेल मेटल का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? बेल मेटल का। आया समझ में आप लोगों को? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं होगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट आगे, सेकंड। सेकंड है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, गन मेटल। सेकंड गन मेटल, सेकंड है आपका गन मेटल। ये क्या है? अलॉय का नाम है आपका। अलॉय क्या है? गन मेटल। तो अब हम देखेंगे बेटा इसकी कंपोजिशन। क्या देखेंगे? इसकी कंपोजिशन, मतलब कि किन किन मेटल से मिलकर बना हुआ है गन, जल्दी से बताएंगे बेटा। गन मेटल किन किन से मिलकर बना हुआ है? पहला है आपका कॉपर। कौन सा है पहला आपका? कॉपर। फिर कौन सा है? टिन है इसके अंदर। और फिर कौन सा है आपका? जिंक है। पहला कॉपर है, फिर दूसरा टिन है, और तीसरा कौन सा है? जिंक है। जो आपका कॉपर है वो कितना है बेटा? 88% है इसके अंदर। टिन 10% है, और 2% आपका क्या है? जिंक है। आया समझ में? गन मेटल तीन मेटल का कॉम्बिनेशन है, तीन मेटल से मिलकर बना हुआ है, कॉपर टिन और जिंक। कॉपर 88% है, टिन 10% है, और जिंक इसके अंदर 2% है। क्लियर है? अब बात आती है इसके यूजेस की, इसके यूजेस की बात आती है बेटा। किसकी बात आती है? यूजेस की। तो ये गन मेटल किस में प्रयोग किया जाता है बेटा? गियर्स बनाने में यूज किया जाता है। किस में? गियर्स बनाने में यूज किया जाता है, गियर बॉक्स में। तो लिखना, इट इज यूज फॉर मेकिंग गियर्स। और ये आपके एसएससी ने पूछा हुआ है इसकी एप्लीकेशन में कि विच अलॉय इज यूज फॉर मेकिंग गियर्स दैट इज गन मेटल अलॉय। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत है? आई थिंक नहीं होगी कोई भी दिक्कत, नहीं है ना दिक्कत? चलो ठीक है, अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा होगा हमारा? यहाँ देखेंगे सभी बच्चे, नेक्स्ट आपसे पूछेगा जर्मन सिल्वर। क्या पूछेगा बेटा? जर्मन सिल्वर। जो जर्मन सिल्वर होता है, ये क्या दिया हुआ? अलॉय का नाम दिया हुआ है। अब आपसे क्या पूछेगा इसमें? कंपोजिशन। क्या पूछेगा यहाँ पर? कंपोजिशन पूछेगा।
मतलब कि ये जर्मन सिल्वर है किस किस चीज़ का मिलकर बना हुआ है, किस किस चीज़ का मिलकर बना हुआ है। तो बेटा ध्यान रखना ये तीन चीज़ों का, कौन कौन सी होंगी तीन चीज़ें, कॉपर कौन सा होगा, कॉपर होगा, जिंक होगा और निकल। कॉपर जिंक और निकल, और निकल इन तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, कॉपर जिंक और निकल। जो कॉपर है आप लोगों का बेटा, कॉपर ये कितना परसेंट होता है इसमें, 50% होता है इसमें, कितना होता है 50% होता है। और जिंक कितना होता है इसके अंदर, 35% होता है। और रिमेनिंग 15% आपका क्या होता है बेटा, निकल होता है, किसके अंदर, जर्मन सिल्वर के अंदर। आया समझ में? अब बात पूछेगा आपसे इसके यूजेस, किसके बारे में बात आएगी, इसके यूजेस के बारे में बात आएगी। तो याद रखना इसका सबसे बड़ा एक ही यूज है, एक ही एप्लीकेशन होती है बेटा, ये किसके अंदर काम आता है, फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, किचन यूटेंसिल्स। It is used for making kitchen utensils. रसोई के अंदर बर्तन बनाने होते, जो रसोई के जो बर्तन होते हैं उनको बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है आपका, मोस्टली अलॉय का किया जाता है। और वो अलॉय कौन सा होता है, जर्मन सिल्वर। और ये तीन मेटल से मिलकर बना होता है बेटा। तीन मेटल कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, एक होता है आपका कॉपर, दूसरा होता है जिंक, और तीसरा कौन सा होता है आपका, निकल होता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट कौन सा होगा आपका, बहुत इजी है, बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है। टाइप मेटल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी बार इसको एग्जाम में पूछा गया है, क्या है आपका, अलॉय। और वो कौन सा है, टाइप मेटल। ये अलॉय कौन सा है आपका, टाइप मेटल है। इसमें देखेंगे किस किस चीज़ का बना हुआ है, ये अलॉय दिया हुआ टाइप मेटल, और इसकी हम क्या देख रहे हैं, कंपोजिशन। क्या देख रहे हैं बेटा, कंपोजिशन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कंपोजिशन। तो कंपोजिशन के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि किन से मिलकर बना हुआ है आपका टाइप मेटल। तो याद रखना बेटा, लेड, टिन और एंटोनमी, और एंटीमोनी, और एंटीमोनी, और एंटीमोनी, इन तीन चीज़ों से मिलकर कौन बना हुआ है आपका टाइप मेटल, लेड, टिन और एंटोमनी। लेड कितना है, 75% है, लेड कितना है, 75% है। टिन कितना है बेटा, 5% है। और एंटीमनी कितना है इसके अंदर, 20%। इन तीनों से मिलकर क्या बना हुआ है आपका टाइप मेटल। इसका यूज कहाँ किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट, इसका यूज कहाँ किया जाता है बेटा, ध्यान रखना, जो इसका यूज किया जाता है वो यूज़ किया जाता है प्रिंटिंग मशीन में। किसमें किया जाता है, प्रिंटिंग मशीन्स के अंदर, मतलब कि प्रिंटिंग प्रेस में यूज़ किया जाता है। कहाँ यूज़ किया जाता है, प्रिंटिंग प्रेस में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ तक किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से, बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट आता है वुड्स मेटल। नेक्स्ट कौन सा आता है अलॉय आपका, वुड्स मेटल। वुड्स मेटल, इसमें बात करेंगे इसके कंपोजिशन की, कंपोजिशन, जो इसकी कंपोजिशन होगी वुड्स मेटल की वो क्या होगा, फर्स्ट होगा कैडमियम, क्या होगा, कैडमियम। सेकंड क्या होगा, टिन होगा इसमें, ध्यान रखना बेटा टिन होगा, लेड होगा और बिस्मत होगा, और कौन सा होगा, बिस्मत होगा, बिस्मत। कैडमियम, टिन, लेड और बिस्मत, इन चारों से मिलकर बना होता है। तो इसमें बेटा इसकी कंपोजिशंस में परसेंटेज कितनी रहेगी, याद रखना 35% लेड होता है, कितना होता है 35%, सॉरी बिस्मत, 35 लेड रहेगा, 15% क्या रहेगा इसमें, टिन रहेगा, और 15% इसमें क्या रहने वाला है आपका, कैडमियम रहने वाला है।
ये इसकी कंपोजिशन होती है और ये इन चारों से मिलकर क्या है बना हुआ, क्या बना हुआ है बेटा, मोड्स मेटल। इसका यूज़ जो एप्लीकेशन बेस पर पूछा गया है ये किसके लिए किया जाता है बेटा यूज़, ये मेटालिक पैटर्न देने के लिए यूज़ किया जाता है डायफ्राम में। इट इज़ यूज़ फॉर मेकिंग मेटेलिक पैटर्न डायफ्राम के अंदर। आया समझ में आप लोगों को? कोई दिक्कत? आई थिंक यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार देखते हैं हम कौन कौन से हमने अलॉय किए हैं आज। आज किए हैं बेटा हमने, सबसे पहले किया है बेल मेटल। एक बार मार्कर चेंज कर लेता हूँ मैं, इंक चेंज कर ली है मैंने, इंक हो गई चेंज। सबसे पहला जो अलॉय किया हमने, फर्स्ट अलॉय किया आज बेल मेटल किया है। बेल मेटल जो है वो किस किस चीज़ का बना है? एक कॉपर का बना है और टिन का। कॉपर और टिन से बना है कौन? बेल मेटल। कॉपर कितना? 80%। टिन कितना? 20%। ओके, इसका यूज किसके लिए होता है? बेल्स बनाने के लिए यूज होता है बेल मेटल। सेकंड बात आती है बेटा गन मेटल में। गन मेटल है, इसकी कंपोजिशन क्या है? ये तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है आपका, एक कॉपर से, दूसरा टिन से और तीसरा जिंक से। इन तीनों से मिलकर कौन बना है आपका? गन बना हुआ है, गन मेटल। तो याद रखना इसका यूज कहाँ किया जाता है? फॉर मेकिंग गियर्स बनाने में यूज किया जाता है, जो आपके बाइक के, स्कूटर के, गाड़ी के होते हैं इसके अंदर। थर्ड बात करें हम, जर्मन सिल्वर काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा गया है। जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकल से मिलकर बना हुआ है। कॉपर, जिंक और निकल से मिलकर बना हुआ है, कितने परसेंट? 50%, 35 और 15% में। और इसका अक्सर प्रयोग कहाँ किया जाता है? किचन यूटेंसिल्स बनाने में, रसोई के बर्तन बनाने में। किसका प्रयोग किया जाता है? रसोई घर के बर्तन बनाने में जर्मन सिल्वर का प्रयोग किया जाता है बेटा। वहीं बात करें किसकी, टाइप मेटल, इंपॉर्टेंट काफी है टाइप मेटल भी, ध्यान रखना। टाइप मेटल ये किस किस चीज से बना हुआ है? लेड, टिन और एंटनमी। कॉन्फिग्रेशन 75, 5 और 20%। इन तीनों के जुड़ने से ये क्या बन गया है? टाइप मेटल। यूज कहाँ होता है ध्यान रखेंगे बेटा? प्रिंटिंग प्रेस में। कहाँ यूज होता है ये? प्रिंटिंग प्रेस में। फिर बात आती है वुड्स मेटल। वुड्स मेटल हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये किस किस चीज का बना हुआ है? कैडमियम, टिन, लेड और बिस्मिथ का बना हुआ है। ये कॉन्फ़िगरेशन है 15, 15, 35, 35। आया समझ में? इन चारों के मिलने से क्या बना हुआ है आपका? वुड्स मेटल बना हुआ है। और इसका अक्सर यूज कहाँ पर होता है वुड्स मेटल का बेटा? हमेशा डायफ्राम बनाने में होता है। किसके अंदर होता है? डायफ्राम बनाने में। जो आपके मेटेलिक पैटर्न होते हैं उनको बनाने में किसका यूज किया जाता है? वुड्स मेटल का किया जाता है। ओके बेटा, तो आज इस सेशन में हम इतना ही करते हैं। हम अब नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करेंगे। जो हमारी लाइव क्लास होती है बेटा, उसकी टाइमिंग है मेरी लाइव क्लास की 8:30 बजे। केमिस्ट्री की होती है जो चैप्टर वाइज हम कर रहे हैं जिसको, और 10:30 पर जो होती है बायोलॉजी की क्लास होती है, ये भी हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं, टॉपिक वाइज। तो इन लाइव क्लासेस को आप जरूर लें और अच्छे से पढ़ते रहें। ओके, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें बेटा, शेयर करें इस वीडियो को, और जितना उसके उतने ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे सब्सक्रिप्शन लें। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे चुका हूँ, उस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। तो अब मैं आप लोगों से यहाँ अलविदा लेता हूँ, फिर मुलाकात करूँगा बेटा मैं आपसे लाइव क्लास के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय, टाटा।